Assalamualaikum guys, welcome to the third episode. So guys, today हम जा रहे हैं अपने गांव होपर की तरफ. So अभी हम गिलगित से निकल गए. This is the main गिलगित city. So अभी हम यहां से तकरीबन 3 से 4 घंटे का मुसाफत है हमारे गांव तक पहुंचने के लिए. बाकी आप सामने देख सकते हो इतने खूबसूरत पहाड़ और इसके ऊपर बर्फ, आप देख सकते हो ग्लेशियर वगैरह. सो गाइस लेट्स गो. जो गांव है ऊपर वहां पे मौजूद है और अभी जा रहे हैं घूमने के लिए ऊपर की तरफ, जो कि ऊपर व्यू पॉइंट कहते हैं जिस जगह का नाम है जहां पे हमें जाना है. तो बहुत ही मज़ा आ रहा है. आप लोगों को ग्लेशियर का भी व्यू करवाएंगे. बाकी अभी यहां पर जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो भी थोड़ा सा व्यू करवाएंगे. तो इस वक्त बहुत मज़ा आ रहा है, बट सर्दी बहुत सर्दी है. चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. ये हम हैं, ये हमारा कजन है, ये आगे बैठा हुआ है. माय डियर फ्रेंड्स, सर्दी लग रही है, बर्फ देख सकते हैं, ये बर्फ, ये बर्फ है ऊपर से गिरा हुआ है नीचे पहाड़ से. तो हम एंजॉय कर रहे हैं. सो फाइनली गाइज, दिस इज होपर. अभी जो एंड पॉइंट है होपर का, यहाँ पर एंड हो जाता है. और मैंने आपको बताया था ये डेवलपमेंट वगैरह का, तो ये नीचे डेवलपमेंट है, इसको रेस्ट हाउस भी कहते हैं. यहाँ पर आप आके रह सकते हो, स्टे कर सकते हो, होटल्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर. और ये आगे मुख्तलिफ गाँव हैं, ये होलसेल कहते हैं इस गाँव को. और ये मेरे नीचे जो है इसे कोशिशल नाम देते हैं. और सामने जो पहाड़ के साथ नज़र आ रहा है दैट इज रतल. एंड ये ऊपर पहाड़ के नीचे जो खूबसूरत बना हुआ है गाँव, दैट इज़ हकलचल. और ये जो बीच वाला इलाका है ये है ब्रशल. और यहाँ पर हॉस्पिटल, एवरीथिंग, मतलब स्कूल वगैरह सब कुछ बने हुए. और ये मेरा प्राइमरी स्कूल जहाँ से मैंने स्कूल लाइफ स्टार्ट किया था, उसका पब्लिक स्कूल नाम है. सो व्यू चेक करें. ओके गाइस, सो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी बर्फबारी हो रही है यहाँ पर. हमने तो एंजॉय कर लिया, ऊपर का व्यू भी करवाया आप लोगों को. हमारा गांव है तो इंशाल्लाह हम अभी इसके बाद जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी जून जुलाई अगस्त तक, यहाँ पर जब एप्रिकॉट वगैरह पकने लग जाते हैं तभी हम आएंगे दोबारा से, वो भी दिखाएंगे. तो अभी हम पर तो अभी पीछे जो है ना, आप सबसे बड़ी जो व्यू पॉइंट है होपर का वहाँ पर बैठे हैं. इससे भी ऊपर है लेकिन वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होने की वजह से ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि सर्दी लग रही है. अगर हाइट लग गया तो हम बीमार हो सकते हैं. तो नीचे देखो हमारे पाँव के नीचे ग्लेशियर पड़ा हुआ है. आप लोगों को जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों को बता दूंगा. अभी मेरा कज़न थोड़ा सा आपको व्यू करवाएगा नीचे की तरफ, आपने देख लिया वैसे वीडियो में. ये खाई है पूरा नीचे, देखो ये हमसे नीचे परिंदे उड़ रहे हैं क्योंकि नीचे वो है खाई है. और बहुत बड़ा पहाड़ है, हम तकरीबन इधर 2-3 घंटे लगा के इधर तक पहुँचे आप लोगों को सिर्फ व्यू दिखाने के लिए.
I hope guys you are like this video, so don't forget to subscribe our channel. और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा ये खूबसूरत वादी होपर. सो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और अपने दुआओं में याद रखिए. This is the beauty, this is lovely.